बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग मेडिकल फील्ड के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्या मेरिट था और कौन से कॉलेज का क्या मेरिट था। तो आज हम मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तकरीबन 34 यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं मेरे सामने, उनका हम मेरिट जो लास्ट ईयर था वो डिस्कस करेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने एक एक जो भी आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका मेरिट लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको वीडियो में सारी हर मेरिट, हर कॉलेज के, हर यूनिवर्सिटी के मेरिट के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। अगर आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपके बेनिफिट के लिए आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई की रजिस्ट्रेशन और साथ में आपको बैंक में चालान जमा करवाना, TCS, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डाटा एंट्री, NCV के रिलेटेड कोई भी काम होता है तो आपको घर बैठे हम ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इजीली कॉन्टैक्ट करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको ये भी बता दूँ कि आप इस नंबर पे इजीली कांटेक्ट करें, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी, किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी या किसी भी प्रोग्राम के हवाले जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपको डिजिटल हाजी टेक चैनल पर शेयर की जाए। तो अब हम बात करते हैं अपने खास टॉपिक पे, क्योंकि स्टूडेंट को अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें बहुत देखनी पड़ती हैं कि उनका मेन कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, क्या उनका मेरिट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्या है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। जैसे कि डेली बेसिस पे मैं एक एक कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की डिटेल शेयर करता हूँ, उसमें उसके मेरिट, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी बताता हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब क्या करना है कि सिंपली मेरे पास यहाँ पे आके मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए हुए थे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो सबसे पहले जिस कॉलेज के हवाले से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो CMH खारिन मेडिकल कॉलेज है खारिया में, ठीक है। इसका देखने प्रोग्राम MBBS है, क्लोजिंग मेरिट इसका है 87.56, मेरिट लिस्ट जो लगती हैं लास्ट जो थी वो 13 थी, ठीक है, 13 मेरिट लिस्ट। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट कौन सा कॉलेज आता है, वो हमारे सामने FMH कॉलेज है, मेडिसिन फातिमा मेडिकल, ठीक है, उसका कॉलेज, ये कॉलेज है हेल्थ कॉलेज। और इसमें देख लें लाहौर में प्रोग्राम MBBS है, इसका जो मेरिट था वो 87.56, ठीक है, मेरिट लिस्ट इसकी 12 लगती है, UHS, ठीक है, ये आप देख लें। अब हम नीचे आते हैं शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद, इसका जो मेरिट था क्लोजिंग मेरिट वो 86.26 था, MBBS प्रोग्राम था, मेरिट लिस्ट जीरो, जो जीरो मेरिट लिस्ट लगी थी वो 06। और मीटिंग यूनिवर्सिटी एस, ये जो हमारे पास शहीद जुल्फकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से, ठीक है। अब नीचे आते हैं हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टैक्सला के अंदर, इसके अंदर जो क्लोजिंग मेरिट था वो हमारा 86.65 था और जो इसका जो मेरिट लिस्ट थी वो 13 लगी है, ठीक है। तो और जो उसका नम्स है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज LMDC जिसे कहा जाता है, प्रोग्राम MBBS है, क्लोजिंग मेरिट उसका 86.79 है और क्लोजिंग मेरिट जो था, जो नंबर ऑफ लिस्ट थी वो 12 थी और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी UHS है। अब आगे आते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर, प्रोग्राम MBBS, क्लोजिंग मेरिट 83.63 था, मेरिट लिस्ट जो थी वो 12 थी, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी UHS थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे हमारे पास यूनिवर्सिटी इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इसके अंदर जो क्लोजिंग मेरिट था वो हमारा 83.47 था, मेरिट लिस्ट 12 थी, UHS एडमिटिंग थे और प्रोग्राम MBBS था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है शालीमार मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर, MBBS प्रोग्राम है, क्लोजिंग मेरिट इसका 87.47, मेरिट लिस्ट की 12, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी UHS, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास बख्तावर एमन मेडिकल, बख्तावर अमीन मेडिकल डेंटल कॉलेज मुल्तान, इसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम MBBS है, क्लोजिंग मेरिट हमारा 85.45 है, मेरिट लिस्ट जो थी वो 12 थी, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। वो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज, ठीक है, इसके अंदर प्रोग्राम हमारा MBBS है, क्लोजिंग मेरिट इसका 83.25 और मेरिट लिस्ट इसकी 12 है, UHS एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर, इसका प्रोग्राम MBBS, क्लोजिंग मेरिट 87.43, मेरिट लिस्ट 12, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी UHS।
उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास, यहाँ पे मैं जूम करके थोड़ा सा देखता हूँ, हमारे पास रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस इस्लामाबाद, इसके अंदर MBBS प्रोग्राम है। हमारे पास क्लोजिंग मेरिट जो हमारा 76.86 है, मेरिट लिस्ट 17 लगी है और एमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है हमारे शहीद जुल्फकार अली। उसके बाद सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल, इसमें 76.61 में क्लोजिंग मेरिट था। उसके बाद मेरिट लिस्ट 13 लगी, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी UHS। और यहाँ पे मोहियुद्दीन इस्लामिक डेंटल कॉलेज मीरपुर, इसके अंदर जो प्रोग्राम MBBS है, क्लोजिंग मेरिट 76.68 है और मेरिट लिस्ट के लिए 21। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है अख्तर सईद मेडिकल, AMDC जिसे कहा जाता है। प्रोग्राम इसका MBBS है, क्लोजिंग मेरिट इसका 85.61 है और जो मेरिट लिस्ट थी वो 12 थी और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी UHS। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अजीज फातिमा मेडिकल डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, इसमें प्रोग्राम MBBS, क्लोजिंग मेरिट इसका 85.5, मेरिट लिस्ट 12, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी UHS। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जूम करते हैं हम FMH कॉलेज, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, CMH भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। ठीक है, इस्लामिक इंटरनेशनल शालीमार हो गया, ये मुल्तान, मुल्तान शरीफ, यहाँ अख्तर मेडिकल हो गया, अजीज़ हो गया और ये हमारे सामने आ गए थे। उसके बाद ये हमारे पास है शालीमार मेडिकल कॉलेज, उसके बाद ये भी हो गया था हमारे सामने। उसके बाद नहर लाहौर मेडिकल कॉलेज, ये हम देख लेते हैं कौन सा, लाहौर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, LMDC जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम MBBS, क्लोजिंग मेरिट इसका 86.79, उसके बाद मेरिट लिस्ट की 12। उसके बाद शरीफ मेडिकल कॉलेज, इसका जो मेरिट था वो 87.43 था और एडमिटिंग था वो जो वो UHS था। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, हमारे पास कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कराची में जो क्लोजिंग मेरिट था 85.15 था, MBBS प्रोग्राम था। उसके बाद बख्तावर जो इमन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे कॉलेज की बात करते हैं। ये हमारे पास अजीज़ फातिमा जना, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम शिफा का, शिफा का भी हम बात कर चुके हैं, इस्लामाबाद वाली 0.6 मेरिट लिस्ट की जो लगी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी जो था, वो उसका प्रोग्राम जो था MBBS, क्लोजिंग मेरिट 87.47, मेरिट लिस्ट 12। उसके बाद मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज जो था MDDC मुल्तान, प्रोग्राम मेडिकल जो उसका MBBS प्रोग्राम था 83.25 इसका मेरिट था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो आ जाता है वो राशिद लतीफ मेडिकल, जिसे RLM कहा जाता है, RLMC कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो क्लोजिंग मेरिट था वो हमारे पास वो 83.22 जो था और प्रोग्राम MBBS और मेरिट लिस्ट इसकी जो 12 थी। ठीक है, रहपर मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर, प्रोग्राम MBBS, क्लोजिंग मेरिट 87.96 था। ठीक है, उसके बाद जो हम शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा में, प्रोग्राम इसका MBBS, क्लोजिंग मेरिट इसका 81.54, मेरिट लिस्ट 12। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर, CPM कहा जाता है, जिसे क्लोजिंग मेरिट इसका 82.25। ठीक है, मीटिंग UHS। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ओवरराइड क्लिक करने की वजह से बैकएंड चला जाता है, तो हम इसको देख लेते हैं ताकि हम सारे कॉलेज इजीली डिस्कस कर पाएँ। तो आपने इसको टेंशन नहीं लेनी, आपने देखना है ध्यान से। उसके बाद है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंसिटी जो है डिसेंट्री है। ठीक है, उसके बाद जो क्लोजिंग मेरिट है वो 79.54 है, उसके मेरिट लिस्ट की 12 लगी है। एविना मेडिकल कॉलेज जो है हमारे पास अभी, उसके बाद जो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट है उसकी वो 79.43 है और मेरिट उसका है 12। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं तो हम देखते हैं अगर हमारे पास कौन सा आता है उसको हम देखते हैं। इसके बाद इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज, उसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो 78.04 है, मेरिट लिस्ट इस 12 है। उसके बाद आमिना अनायत मेडिकल कॉलेज जो शेखपुरा में है, उसका क्लोजिंग मेरिट 78 है और नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट जो है 12 थी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं इस्लाम मोहम्मद इस्लाम मेडिकल डेंटल कॉलेज गुजरांवाला, इसका जो क्लोजिंग मेरिट 7722 था, उसके बाद मेरिट लिस्ट जो थी इसकी 12 थी। और उसके बाद सियालकोट मेडिकल कॉलेज जो था उसका 77.61 मेरिट था लास्ट ईयर का, नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट 13 थी।
अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट के ऊपर बात आते ही हम देखते हैं कौन सा कॉलेज है, अबुबा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। इसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 78 था, मेरिट लिस्ट इसकी 12 थी। इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट, इसका जो मेरिट था वो 72.77.2 था, 13 इसकी मेरिट लिस्ट थी। उसके बाद HBS मेडिकल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद, इसके अंदर जो क्लोजिंग मेरिट था इसका वो 76.86 था और मेरिट लिस्ट की नंबर 17 जो मेरिट लिस्ट थी। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करने के जियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज जो कराची में था उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो मेरिट क्लोजिंग था वो 72.77 सिंध के लिए, पंजाब और केपी के लिए 72.75 था और मेरिट लिस्ट 3 लगी थी। और क्वेटा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज क्वेटा के अंदर 73.59, बलूचिस्तान के अंदर 84.45 ये था, ठीक है, नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट 9। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे सामने है मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास। इसके अंदर क्लोजिंग मेरिट 65.06 सिंध के लिए और 71.05 केपी की और पंजाब के लिए, नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट 03। उसके बाद इंडस मेडिकल कॉलेज टंडो मोहम्मद खान, ठीक है, टंडो मोहम्मद खान। इसके अंदर क्लोजिंग मेरिट सिंध के लिए 65.04 था और पंजाब और केपी के लिए 72.47 था, नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट 3 थी। और लियाकत मेडिकल कॉलेज उसका है 60.02 सिंध के लिए। अब आगे बात करते हैं हम मोहियुद्दीन इस्लामिक डेंटल कॉलेज मीरपुर खास, क्लोजिंग मेरिट जो था 76.68 था, मेरिट लिस्ट इसकी 21 थी। और अल नफीस मेडिकल कॉलेज फैसलामाबाद के अंदर मेरिट क्लोजिंग मेरिट 76.77 था, ठीक है, और नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट 19 थी। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास है पाक डेडिक्रिसेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर। इसके अंदर जो क्लोजिंग मेरिट था वो 76.61 और क्लोजिंग मेरिट 13 थे, जो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट थी वो 13 थी। UHS एडमिटिंग है, राय मेडिकल डेथ सरगोदा। इसके अंदर 76.59 इसका जो क्लोजिंग मेरिट था, मेरिट लिस्ट 13 थी। और उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है जिना मेडिकल डेंटल कॉलेज कराची के अंदर, जो सिंध के लिए 69.04 और पंजाब और केपी के लिए 73.38, मेरिट लिस्ट 03 थी। उसके बाद बकई मेडिकल डेंटल कॉलेज इसके अंदर 65.18 सिंध के लिए और 72.91 पंजाब के लिए MBBS के लिए। उसके बाद आगे हम अल तबीरी मेडिकल कॉलेज कराची के अंदर है, वो 65.25 सिंध के लिए और 72% जो है वो पंजाब और केपी के लिए है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हमारे पास है, आगे सबसे एंड पे हम देखते हैं, ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरे पास क्लियर नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं फीस और ये जो सीट्स हैं इसका लहदा से डिस्कस करूंगा। इस तरह के हवाले से आपको बता दो, हैदराबाद के अंदर जो है वो 70.77 सिंध के लिए और 73.54 पंजाब और केपी के लिए है। बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए है 70.75 सिंध के लिए और 76.56 है। उसके बाद हम बात करते हैं लियाकत के लिए, आपके सामने शेयर कर दूँ 75.86 और 75.61 ये क्लोजिंग मेरिट है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे आके लियाकत कॉलेज के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कराची के अंदर 65% है सिंध के लिए और 71.34 है पंजाब और केपी के लिए और नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट 3 है। होप्स हो कि आपको ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रही होगी और इस तरह की मजीद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी की फी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, रिकमेंड करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो आपको एग्जैक्ट और अच्छे टाइम पे और मौके की मुनासिबत पे आपको मिलती रहे। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।